फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका दिल से मेरे यूट्यूब चैनल कविता लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज नवरात्रि का नौवां दिन यानी नौमी पूजन है। तो आज सभी के यहाँ कन्याएं खिलाई जाएंगी। तो हमारे यहाँ भी दीदी मेरी 9 दिन का व्रत थी, तो अभी हमारे यहाँ भी 9 कन्याएं खिलाई जाएंगी। और अभी आप लोग को दिखाएंगे कि हमारे यहाँ कैसे कन्याएं खिलाई जाती हैं। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं पूड़ी और हलवा बनाने, क्योंकि कन्याओं को पूड़ी और हलवा ही मीठा खिलाया जाता है। चाहे खीर आप बना सकते हो या फिर आप हलवा बना सकते हो। तो मैंने सोचा कि हलवा और पूड़ी खिलाते हैं। तो अभी आप लोग को लेके चलते हैं नीचे और दिखाते हैं सब तैयारियां। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं किचन में और देखिए हमारी जेठानी जी जो है सब्जी काट रही हैं और हम भी सब्जी काट रहे हैं। पर मैंने सोचा पहले वीडियो बना लें, तो अभी शुरुआत होने वाली है। सारी तैयारियां सब्जी काट लें, उसके बाद हम लोग तैयारियां करेंगे किचन में। और देखिए आप जो है सब्जी काट रहे हैं और अभी चलते हैं, पहले हम सब्जी बना लेंगे, उसके बाद आज हमारे यहाँ कन्या खिलाया जाएगा। तो हम हलवा और पूड़ी बनाने वाले हैं, तो अभी आप लोग को दिखाते हैं। देख सकते हैं आप कि मेरी सब्जी जो है कट के रेडी हो चुकी है। और इधर मैंने जो है धनिया, हरी धनिया, तो ये मैंने पॉलीथीन में करके रख दिया था, इस वजह से ये सड़ गया था। तो अभी मैंने देख सकते हैं आपकी निकाला है और सब्जी मेरी कट के रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं हम पूजा के लिए, कन्या खिलाया जाएगा तो उसके लिए हम हलवा और पूड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। तो इधर आटा मेरा जो है गूंथ के रख दिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब पूड़ी और हलवा बनाना, तो अभी आप उसको दिखाते हैं। तो इधर मेरी कढ़ाई चढ़ चुकी है और इधर देख सकते हैं आपकी मैंने छोटी छोटी जो है लोई काट ली है। और अब बेलना स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर हम फिर पूड़ी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो दीदी मेरी देखिए पूड़ी बेल रही है और हम इधर पूड़ी निकाल रहे हैं। तो पूड़ी मेरी पूरी बनके रेडी तैयार हो चुकी है और ये रहा मेरा हलवा। तो मुझे हलवा बहुत ही सूखा नहीं बनाना है, मुझे थोड़ा इसको गीला ही रखना है क्योंकि बच्चे खाने वाले हैं। तो अभी तो ये पक रहा है और ये पता नहीं क्या कर रही हैं। इधर पूजा की तैयारी हो चुकी है, स्नान कर रहे हैं, देख सकते हैं पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है। बस सारी कन्याएं आ जाएं, उसके बाद हम लोग खिलाना स्टार्ट करेंगे। वैसे अभी ये भी मेरा हलवा तो बन ही रहा है, जो बच्चे अपना प्लेट रख के गए हैं, अभी आएंगे थोड़ी देर में। तो इधर देख सकते हैं आप कि मेरा हलवा जो है वो गाढ़ा हो चुका है, बस थोड़ा सा और पक जाए उसके बाद ही हम क्या कहते हैं इसको बच्चों को देने वाले हैं। तो देखिए हलवा मेरा पूरा रेडी हो चुका है, बस अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं, उसके बाद चलते हैं और बाकी सब चीज़ें तैयार करने। अभी जो ये सफ़ेद सफ़ेद फेना दिख रहा है, अभी कुछ देर में ठंडा होने पर ये सही हो जाएगा। चलते हैं, कन्याएं मेरी आ चुकी हैं। तो देखिए सारी कन्याएं बैठ चुकी हैं अपनी अपनी प्लेटें लेके और दीदी मेरी अभी सबको खिलाने वाली हैं। तो इधर देख सकते हैं कुछ कन्याएं अभी इधर बैठी, इधर उधर हैं, अभी कुछ देर में सारी कन्याएं बैठ जाएंगी अपने लाइन से।
जागृति बहन का नाम। तो इधर कन्या खिलाना स्टार्ट हो चुका है, अभी हम और दीदी बच्चों को टीका लगा रहे हैं। मैं इधर सरसों का तेल से थोड़ा सा टीका लगा रही हूँ, उसके बाद उसी पे दीदी जो है वो क्या कहते हैं चंदन लगा रही हैं। बच्चे कितना बेचैन है कि कितनी जल्दी इनको प्रसाद मिले और ये खाएं, क्योंकि कई जगह इन लोगों को जाना है, एक ही जगह नहीं कई जगह इन लोगों को जाना है। बढ़िया।